भोजपुरी अपने अच्छे कामों के लिए चर्चा में रहे या ना रहे, लेकिन विवादों के लिए हमेशा चर्चा में जरूर रहती है। कल ऐसा ही कुछ हुआ जब भोजपुरी की जाने मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हुई, और जैसे ही ये खबर अक्षरा सिंह के विरोधियों के पास पहुंची उनमें खलबली मच गई। उन्हीं में से एक नाम है बीआईपी विजेंद्र सिंह का, जिन्होंने एक वीडियो बनाकर और अक्षरा सिंह के बारे में आपत्तिजनक बातें बोली और कुछ देर के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि शायद उन्होंने जब कमेंट पढ़ा तो लोगों ने उन्हें शायद खरी खोटी सुनाई थी। चलिए सबसे पहले वो वीडियो सुन लेते हैं जिसमें विजेंद्र सिंह ने क्या कुछ अक्षरा सिंह के बारे में आपत्तिजनक चीजें बोली। सब लोग के जुड़े के बाद जो बिहार के बदले के चाहता, जो बिहार के बदलाव करके चाहता, वो चुनिंदा चुनिंदा हीरा चुन के लिया उसके बाद, वही में से एक हीरा आज यहाँ के बिहार खातिर चुनने है अपना जन सुराज खातिर, जेकरा पर भाई आरोप लगा, जे बिना बियाह कैले लड़का के माई बन जाता, जे केहू के दू गो मेहरारू केहू के तारा परिवार बर्बाद करे में शामिल बा, जे कचरा ही कचरा फैलावता जिंदगी में, जे इंडस्ट्री में कचरा फैलावता, उ अगर अब बताई काल से झंडा लेके घूमी या कही कि हम महिला को सशक्त करेंगे, ई कैसे सशक्त करेंगे बिना का कही, काल से मैंने घूम घूम के का कहिए कि बिना शादी कैले माई बन लो, केहू के पत्नी भी आ तो ओकरा संगे रह लो, ये बिहार बने है, एक ही पार्टी बनी। हमें लगता है कि भोजपुरी का आज ये हाल है तो विजेंद्र सिंह जैसे आदमी और कलाकारों के वजह से है कि ये लोग अपने सहयोगियों का हाथ खींचना नहीं जानते हैं, लेकिन पैर खींचना जरूर जानते हैं। विजेंद्र सिंह से मैं कई सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अक्षरा सिंह के जगह पर आपकी बहन रहती तो क्या आप ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणी या खरी खोटी सुनाते या कहें कि ट्रोल करते? आपको नहीं पता कि ये जो रिश्ते थे पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में शायद दोनों तरफ से थे। क्या अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का घर तोड़ा है या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को बर्बाद किया? हमें लगता है कि भोजपुरी में जो लोग अपने कामों की वजह से चर्चा में नहीं रहते हैं वो ऐसे ही लोगों का टांग खींचकर या विवादित बयान देकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है बीआईपी विजेंद्र सिंह का। आपको इनकी बातों को सुनकर तनिक सा भी नहीं लगेगा कि एक दिमागी रूप से बीमार आदमी कैसे एक लड़की के बारे में अनाप शनाप बोल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के दो दो शादियों को तोड़ तोड़वा दिया या बर्बाद कर दिया, क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह की जिंदगी को बर्बाद नहीं किया? क्या यह सच नहीं है? अगर सच बोलना यही जानते हैं तो जिस समय बीजेपी ने पवन सिंह को शायद चर्चा हुई थी कि शायद टिकट दे और एमपी का चुनाव लड़ाए, उस समय आप पवन सिंह के खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाए कि बताइए कि दो दो शादियां करके दो लड़कियों का घर बर्बाद कर दिए और एक अक्षरा भी है उनका भी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ऐसे लोग को बीजेपी टिकट क्यों दे रही है? पवन सिंह जैसे आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए। आपने कभी वीडियो बनाया और आप बना भी नहीं पाइएगा, क्योंकि शायद आपके पास सच बोलने का दम नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए पवन सिंह की बातें, निरहू को तो जानते ही हैं, जिनके फिल्म में शायद आजकल आप शूटिंग भी कर रहे हैं, उनकी भी शादी हो गई है और शायद अम्रपाली के साथ उनका रिलेशनशिप भी है। कभी उनके खिलाफ आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया और क्यों नहीं कहा कि दिनेश जी निरहू जी आपकी तो ऑलरेडी शादी हो गई है, आप दूसरे के साथ रिलेशन में क्यों हैं, आप नहीं जाते शूटिंग करने? लेकिन नहीं, दिनेश यादव के साथ काम करने से आपका तो पेट भरता है। तो ये जो है दोगलापन, ये कहां से लाते हैं? अगर आप में इतनी ही सच्चाई थी तो आपने वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहिए था। अक्षरा सिंह ने जो शायद पास्ट में किया था वो शायद हो सकता है कि एक भूल थी, एक गलती थी कि एक गलत आदमी के साथ उन्होंने रिलेशन में आई, लेकिन उस वजह से बार बार एक लड़की को टारगेट करना आपकी जाहिलियत को दिखाती है। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि अक्षरा सिंह वैसा ही करे जैसे सुशांत ने किया था? आप एक लड़की के बारे में वीडियो बनाकर ऐसी ऐसी बातें सुन कह रहे हैं कि शायद उस लड़की के लिए एक छोटी बात नहीं है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि हम एक अच्छे कलाकार अपने आप को शो करते हैं फेसबुक या यूट्यूब पर और ऐसी सोच रखते हैं। पहले आपको विजेंद्र जी कहेंगे कि शायद आप एक अच्छा इंसान पहले बनिए,
क्योंकि आपकी जो सोच है यहां नहीं, यहां है।